हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं अपने चैनल पीएस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। मैं हूं अजय। आज हम बात करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में अब तक हमने एक्सरसाइज 6.3 के पहले तीन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक फिगर दी हुई है। तो चलिए पहले इस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर कुछ इस तरह से है, एक ट्राइंगल है टी क्यू आर। इसके अंदर भी कुछ ट्राइंगल्स बन रखी हैं। ये पी एस एंगल 1 एंगल 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फिगर दी हुई है और साथ में कुछ और चीजें भी गिवन है। तो चलिए जो गिवन है उसको पहले गिवन में लिख लेते हैं। तो गिवन ये है हमें क्यू आर अपॉन क्यू एस। इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। और साथ में ये भी गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 2 के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़कर हमें ये फिगर मिली और ये दो चीजें गिवन मिली। और हमें करके क्या दिखाना है, प्रूफ क्या करना है, तो हमें शो करना है इसमें कि ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर होगी ट्रायंगल टी क्यू आर की। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हमें प्रूफ करना है दो ट्रायंगल्स को सिमिलर। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमने जो तीन क्राइटेरिया पढ़े हैं, ट्रिपल ए, ट्रिपल एस या एस ए एस, इन तीनों में से किसी एक क्राइटेरिया को यूज करके इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर प्रूव करने के लिए हम इन चीजों का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ये चीज भी गिवन है, ये भी गिवन है। पहले इसका यूज करें या पहले इसका यूज करें, किसी का भी यूज कर लेते हैं। तो पहले जो गिवन है पहले उसका यूज करते हैं। सबसे पहले गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। ये गिवन है। हमें प्रूफ किसको करना है, सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस। इसको मैं अलग से बना लेता हूं, पी क्यू एस टी क्यू आर, टी क्यू आर दूसरी ट्राइंगल है टी क्यू आर। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो देखते हैं ये किस तरह से हमें हेल्प कर रहा है इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए। क्यू आर ये रहा, क्यू एस ये रहा, क्यू टी ये रहा, पी आर दे रखा है। लेकिन पी आर तो इस ट्राइंगल पे आ ही नहीं रहा। तो हमें करना क्या है, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखिए क्यू एंगल दोनों में आ रहा है, कॉमन हो जाएगा, एंगल दोनों में आ रहा है और एक ही एंगल दोनों में कॉमन है जो इक्वल है।
एक एंगल और दो साइड्स। देखिए इस एंगल को बनाने वाली साइड इसमें QS और इसमें QR, इन दोनों का रेशो भी दे रखा है हमें, तो हमें आइडिया सा मिल गया है कि इसमें क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, SAS लगने वाला है, क्योंकि एक एंगल दोनों में इक्वल है, क्यू एंगल दोनों में ही पड़ रहा है, इसमें भी और इसमें भी, और साथ में हमें हिंट से पता लगा है कि इस एंगल को बनाने वाली जो साइड्स हैं, एक साइड तो ये रही, इनकी रेशो इक्वल है, लेकिन दूसरी साइड वाली मिल नहीं पा रही, यहां पे क्यूपी, यहां पे टीक्यू आना चाहिए, तो टीक्यू तो आ रहा लेकिन क्यूपी नहीं आ रहा। अगर किसी तरह से ये दोनों एंगल इक्वल हो चुके हैं, क्यू इक्वल है, कॉमन एंगल है, दूसरी चीज इस ट्राइंगल में क्यू एस और इस ट्राइंगल में क्यू आर, क्यू को बनाने वाली साइड्स, इसका रेशो ये रहा, इधर पी क्यू इधर टी क्यू, तो टी क्यू है लेकिन पी क्यू नहीं आ रहा, तो हमें करना क्या है, कुल मिलाकर पी आर की जगह किसी तरह से बस पी क्यू आ जाए, ये अगर आ जाता तो हमारा काम पूरा का पूरा आसान हो जाएगा। तो पी आर को पी क्यू कैसे बनाए, उसके लिए हिंट नंबर दो यूज करते हैं, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। तो अभी मैं पी क्यू एस और टी क्यू आर मिटा देता हूं, अभी हमारे काम की नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू है, तो एक ट्राइंगल बनाता हूं मैं पी क्यू आर, पी क्यू आर ये एंगल वन है और ये एंगल टू है, बाकी मैंने इससे नहीं बनाए, तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। पहले हम ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्राइंगल में एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू है, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर वन। चलिए एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू है, कहां से आया इसका रीजन क्या है, ये गिवन है, अगर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू है तो इनके आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं, अगर दो एंगल्स इक्वल है, एंगल वन और एंगल टू इक्वल है, तो एंगल वन के सामने वाली साइड और एंगल टू के सामने वाली साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो एंगल वन के सामने पड़ रहा है पी आर, एंगल टू के सामने पड़ रहा है पी क्यू, रीजन क्या देंगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो पी आर और पी क्यू बराबर हो गए, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर टू, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू को मैंने इक्वेशन नंबर टू दे दिया, तो इक्वेशन नंबर टू को मैं जरा साइड में लिखता हूं, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, ये है इक्वेशन नंबर टू। अब देखिए अब हमारा काम आसान हो गया, हमें पी आर की जगह पी क्यू लाना था, तो पी आर पी क्यू के बराबर हो गया, आप आसानी से पी आर को हटा के उसकी जगह पे पी क्यू रख सकते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ पी आर इन इक्वेशन वन, तो वन में पी आर की जगह क्या करेंगे, पी क्यू भर देंगे, तो क्या बन जाएगा, क्यू आर क्यू एस क्यू टी और पी क्यू, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर जो थ्री बनी है उसको हम साइड में लिख लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर थ्री है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। अब आते हैं अपनी मेन चीज पर,
हमें दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना था, पी क्यू एस। अब बनाता हूं अलग से पी क्यू एस, पी क्यू एस, टी क्यू आर, टी क्यू आर। तो इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, एंगल क्यू इक्वल है, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, इक्वल है, कॉमन है। एंगल इक्वल हो गया और एंगल को बनाने वाली साइड क्यू को यहां पे कौन बना रहा है, क्यू एस, यहां पे क्यू आर। तो क्यू आर और क्यू एस, पहले हम पी क्यू एस की बात कर रहे हैं, तो पी क्यू एस में क्यू एस साइड ये रही और क्यू आर ये रही। इसको जो इक्वेशन थ्री है इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो क्यू एस ऊपर चला जाएगा और क्यू आर नीचे आ जाएगा। यहां पे क्यू टी और यहां पे पी क्यू, बस इक्वेशन थ्री को आपने रेसिप्रोकल कर देना है। अब ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में आपने पहले ये ट्राइंगल बनानी है, ये लाइन लिखनी है, अब ये लिखनी है, इसके बाद ये लिखनी है। अब देखिए, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल क्यू दोनों में कॉमन है, एंगल इक्वल हो गया। इस एंगल को बनाने वाली साइड इधर से क्यू एस, इधर से क्यू आर, इसका रेशो। क्यू को बनाने वाला इधर से पी क्यू, इधर से टी क्यू, पी क्यू टी क्यू। तो एंगल और एंगल को बनाने वाली साइड्स का रेशो इक्वल है, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो अब हम कह सकते हैं, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फोर, इसको इक्वेशन नंबर फाइव। अब हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फाइव और फोर, इक्वेशन नंबर फाइव और फोर से क्या होगा, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर की। कौन सी सिमिलैरिटी, एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व हो चुका, बहुत ही इजी सवाल था ये। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की। अब सब लोग क्वेश्चन नंबर फाइव को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव को रीड करें अगर हम, तो इसका फिगर नहीं दिया हुआ। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फिगर बनाएंगे। तो हमें एक ट्राइंगल दी हुई है पी क्यू आर, पी क्यू आर, और एस और टी जो है, एस पॉइंट है पी आर पर और टी पॉइंट है क्यू आर पर। तो सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर और साथ में यह भी दिया हुआ है कि एंगल पी जो है वो इक्वल है एंगल आर टी एस के। और इसमें हमें शो क्या करना है, इसमें हमें शो करना है कि ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर होगी ट्राइंगल आर टी एस के। तो अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने से यह पता लगता है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर,
पीआर साइट पर एस पॉइंट है और क्यूआर साइट पर टी पॉइंट है, साथ में एंगल पीआरटीएस एंगल के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। और हमें शो ये करना है कि ट्रायंगल आरपीक्यू, तो आरपीक्यू बना लेते हैं, आरपीक्यू ये बड़ी वाली सिमिलर होगी आरटीएस के, आरटीएस ये रही। तो हमें सिमिलर शो करना है, मतलब ये एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन है और सिमिलर शो करने के लिए हम क्या करेंगे, जो तीन क्राइटेरिया पढ़ रखे हैं, डबल ए या ट्रिपल ए भी कहते हैं उसको, ट्रिपल एस या एसएएस, इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया लगा के सिमिलर प्रूव कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो गिवन है उसका यूज किया जाएगा। तो गिवन है एंगल पी आर टी एस के इक्वल है, एंगल पी ये रहा, आर टी एस ये रहा। तो हमने किस किस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है, आर पी क्यू को, तो मैं इसको बना देता हूं आर पी क्यू को अलग से, आर पी क्यू, दूसरी है आर टी एस, आर टी एस, आर पी क्यू ये बड़ी वाली है, आर टी एस ये छोटी वाली है। मैंने इसी ट्रायंगल को दोबारा बनाया है और इस तरह से बनाया है कि कोरस्पोंडिंग पार्ट्स साफ साफ हमें नजर आए। तो पी क्यू आर ऐसे थी, हमें बात करनी है आर पी क्यू की, तो मैंने इसको ऐसे घुमा दिया है, आर ऊपर चला गया और पी नीचे आ गया है, तो ये इस तरह की बनेगी। और आर टी एस इसको भी मैंने ऐसे घुमा दिया ताकि देखने पे एक जैसी लगे। तो अगर आप बना सकते हैं दोनों को अलग, ठीक है, नहीं बना सकते तो इसी में ही सवाल को देखिए, कोई इशू नहीं। तो हमें इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, तो सबसे पहले नाम रखा जाएगा ट्राइंगल का, ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे, यहां साइड तो कुछ दी ही नहीं है, यानी कि सारी बात आती है एंगल्स पर, तो हम कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे, एंगल एंगल वाला। तो सोचते हैं किसी तरह से इनके दो एंगल इक्वल कर देते हैं, अगर दो कर देते हो तीसरा हो जाता है, तो हमें तीसरे को नहीं देखना, सिर्फ दो ही एंगल बराबर करने हैं दोनों ट्राइंगल के। क्यों दो एंगल बराबर करेंगे, साइड के बारे में बात की नहीं गई है, तो साइड वाला तो लगने से रहा नहीं क्राइटेरिया, इसीलिए हम एंगल वाले पर ही फोकस करेंगे। पहली चीज तो साफ दिख रही है, आर एंगल दोनों में आ रहा है, देखिए आर यहां पर भी है और बड़ी वाली ट्राइंगल में भी आर आ रहा है, तो एंगल आर दोनों ट्राइंगल का इक्वल है, क्यों इक्वल है, कॉमन है। दूसरी चीज, एंगल पी और एंगल आर टी एस, आर टी एस में एंगल टी और बड़ी वाली ट्राइंगल का एंगल पी बराबर दिया हुआ है, तो इसका एंगल पी और इसका एंगल टी बराबर है, तो एंगल पी इक्वल है एंगल आर टी एस के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल्स के दो कोरस्पोंडिंग एंगल, इसका ऊपर वाला एंगल इसके ऊपर वाले के बराबर कर दिया, इसका लेफ्ट वाला एंगल इसके लेफ्ट वाले के बराबर कर दिया, तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होता ही होता है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, दो एंगल हो गए बस छोड़ दो। तो इसके दो कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं दोनों के आपस में, तो अब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस। कैसे, कौन सा क्राइटेरिया, एंगल एंगल, तो ये हो गया सवाल नंबर पांच, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही छोटा सा सवाल था। तो आई होप दोस्तों आपको दोनों के दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आए हो सवाल, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइए वीडियो में क्या कमी है।
और साथ में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप अपने डाउट्स को भी हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद।